ये चना भिगोए के 2 दिन से रखा हुआ था। मुझे लगा नैन्सी स्कूल से देर से आएंगी, क्योंकि मुझे सुनाई दिया था कि मैं 12:30 बजे तो गाइस जब भी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे नैन्सी के लिए टिफ़िन बन रहा है। नैन्सी को ढेर सारा खाना स्कूल लेके जाना है, क्योंकि आज स्कूल की लास्ट डेट है, मतलब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी आज से। तो पार्टी इन लोगों की छोटी सी पार्टी क्लास की है, तो इनके क्लास में बोला गया था कि नैन्सी तुम अपनी मम्मी से सब्जी बनवा के लाना और पूरियाँ बनवा के लाना, तो ढेर सारा खाना लेके जाएंगी। तो वही मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। इस तरीके से मैं बनाती हूँ, सारी चीज़ें इकट्ठे डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा ऐड किया था और एक रेड चिली सूखी ऐड किया था और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और चिली फ्लेक्स, और अभी थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड किया है, थोड़ा ही गरम मसाला ऐड करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसके बाद हरा धनिया ऐड करूँगी और एक साथ ही सारा चीज़ भून लूँगी अच्छे से। तो सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, सफ़र वगैरह के लिए हो, टिफ़िन के लिए हो, और पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है सूखी सब्ज़ी। इस तरीके से सारी चीज़ें डाल के 5-7 मिनट इसको अच्छे से भून लीजिए, तो अच्छा फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, पसंद आती है लोगों को, मतलब घर में तो सबको पसंद है, जो जो खाया है सबको पसंद आती है। तो यहाँ पे सब्जी मेरी डन हो चुकी है। अब थोड़ा सा मतलब एक ला हरी मिर्च सॉरी हरी मिर्च लास्ट में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिली फ्लेक्स ऐड किया था तो तीखा ना हो जाए इसकी वजह से। और अब पूरियाँ बनेंगी, ढेर सारी पूरियाँ बनेंगी। और लेके गई थी नैन्सी, आई तो बता रही थी कि सबको बहुत पसंद आया। सुबह सुबह कुछ समझ नहीं आता, हर बार इनके स्कूल में जब पार्टी होती थी तो कभी ये पास्ता लेके गई थी एक आध दो बार, और एक आध दो बार मैक्रोनी लेके गई थी, एक बार चाउमीन बनाया था वो लेके गई थी। आज इन्होंने खाने की रिक्वायरमेंट करी थी तो हमने कहा चलो ठीक है बना देंगे सुबह सुबह। ज़्यादा ही होगी, हो जाएगी। ना पसंद आए तो पसंद ना आने की क्या बात है, महीने में एक बार तो छुट्टी हो जाती है। और नैन्सी के स्कूल में कुछ है क्या? है नैन्सी आज पार्टी है, छुट्टी से पहले हम लोगों की आज से लास्ट डे है, छुट्टी पड़ जाएगी तो आज पार्टी हो रही है। तो नैन्सी हमसे ढेर सारा खाना बनवा के ले जा रही है। नैन्सी सब्जी देखो, इनके क्लास में सारी मैम और जो मैम है और जो बच्चे हैं सब ने बोला है कि तुम्हारी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो पैक का आलू की सब्जी और पूरी बनवा के लाना। तो वही मैंने बनाया है, अभी ये लेके जाएंगे इसको, अभी पैक कर रही हैं, पैक नहीं कर पाई अच्छे से। ये ढंगे गई, इसको ऐसे ही भर लो तो बराबर से नहीं आएगा, पानी बाहर लगा लो। नैन्सी दिया वो जला दी है, पूजा भी कर दी है नहा के सुबह सुबह, नहीं तो देरी हो जाती है रोज। टिक्का लगा लो या कभी वो लाना है, रोल ही लाना है, पता है ऐसे हो जाएगी कैसरोल में भरी है। हाँ हाँ वो पीछे से नहीं वो लग रहा है, और ठीक लगने की क्या जरूरत है, वीडियो बना रही हूँ तुम्हारा। मेरी रानी जा रही है मुझे छोड़ के, तुसी ना जो
तुसे क्यों जा रही हो? चाय कौन बनाएगा? मैं नानी, तुसे ना जाओ, पूरी बिल्डिंग सूनी पड़ गई, ठंडियों में पूरी भरी रहती है। वो वाले कमरे के लिए बोला तो भैया ने वो वाला कमरा दिया नहीं, या तो ये वाला बोला था या तो उधर वाला सामने वाला, चौथी नहीं पांचवी मंजिल पे बोल रहे थे कि खाली है तो लिया भी नहीं। अभी देखो क्या, जाओ बाय बाय, तुसी जाओ बाय बाय रानी मेरी रानी बाय। तो कैसे जाओगे? लो झोला वहीं रखा था। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गए हो जाते। सो गाइज हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी लोगों को। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30, नो 11:30 नहीं बज रहे हैं, हाँ बजने वाले हैं अभी, 10-5 मिनट बाकी हैं। और इधर मैंने दूध उबाला, इधर अब दोबारा से चाय बना रही हूँ अपने लिए, गोलू के लिए। नैन्सी स्कूल से आने वाली हैं, स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। मेरी बहन का फ़ोन भी आ रहा है, अभी मैं मिला रही हूँ। तो राधे राधे सभी लोगों को, और वीडियो में बने रहिएगा, देखिए पूरा वीडियो इंजॉय करिएगा इस लोग। ये चना भिगोई थी 2 दिन से रखा हुआ था, तो अब इसको क्या करती है, ऐसे तो कोई खाता नहीं है। कल बोली नींबू डाल के खा लूंगी, और खाई नहीं, तो मैं इसको उबाल के उबाल ली हूँ। इसमें आलू डाल के, थोड़े आलू डाल के, 1-2 आलू 3 आलू डाल के इसकी सब्जी बना दूंगी, जूस वाली। चावल बना लूंगी, पूरी सब्जी और सूखी सब्जी रखी है जो कल अभी सुबह मॉर्निंग में बनाया था, आलू की सब्जी तो वो रखी हुई है। नैन्सी स्कूल से आ गई है, मुझे लगा नैन्सी स्कूल से देर से आएंगी, क्योंकि मुझे सुनाई दिया था कि मैं 12:30 बजे कितने बजे गई थी, 7:30 बजे जाऊंगी, 10:30 बजे आ जाऊंगी। और कल मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, दुर्घटना बोलते हैं घटना, तो कल मैं जब नहाने जा रही थी तो गैस वैस जैसे एक बार इन लोग को टिफिन, इनका टिफिन तिवारी जी का टिफिन बना के फिर मैं पूरा बर्तन सारा क्लीन चिट करके पूरा सब करके फिर मैं नहाने जाती हूँ। तो जब गैस पोछा होगा तो ये गैस को मतलब पूरा ही ओपन था, पूरा खुला हुआ था, पोछते टाइम ही ऐसे करते टाइम खुल गया होगा। फिर मैं नहाने गई, गैस खुला छोड़ के फिर मैं झाड़ू पोछा करी, झाड़ू पोछा करके ढेर सारा कपड़ा धोई, नहाई, बाल धोई, फिर वहाँ से आई। जब नहा के आई तो मुझे कोरोना वायरस जब हुआ था, 2 बार हुआ था, तो तब से मुझे कुछ मतलब स्मेल मेरी चली गई है, तब से मुझे कुछ स्मेल नहीं आती है, उसी टाइम से चली गई। तो मुझे गैस की हल्की हल्की स्मेल लग रही थी, देखो तो पूरा गैस ओपन था। ये कहिए कि मैंने जलाया नहीं सडनली, तुरंत ही नहा के आने के बाद, जैसे मैं चाय बनाती हूँ तो बनाया नहीं, नहीं तो आग लग जाती, क्योंकि ये दरवाज़ा बालकनी का बंद था, उधर का भी दरवाज़ा बंद था, खिड़कियों में शीशा लगा हुआ है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करिएगा, ध्यान गैस का बहुत ध्यान दिया करिए। अब मेरी थोड़ा सा बताया कि मेरी मेमोरी हल्का हल्का
मैं भूल जा रही हूँ, तो उसकी वजह से अभी नहीं, तो मैं चेक करके ही जाती हूँ। सो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बोल दिया, आते हैं थोड़ी देर में। फाइनली गाइज अभी टाइम मिला, 3 बज चुके हैं, अभी 3:05 हो रहे हैं और सारा काम फिनिश हुआ। अभी जाके इतनी देर में पसीना छूट जाता है गर्मियों में काम करते करते। आज मैंने चेन भी डाली अपनी, ये देखिए, इसमें एक पेंडल भी डलवाना है, इसमें पेंडल डालने की जगह है, फिर मैंने अभी डलवाया नहीं है। गर्मी में कुछ पहनने का मन नहीं करता, कट जाता है। मंगल सूट डाली थी तो पूरा इधर इधर कट गया था, तो उसको उतार दिया, तो आज चेन डाल लिया ऐसे ही। अब अगर सही रहेगा तो ठीक है, कटे उटेगा तो नहीं पहने रहूँगी। अगर कट जाता है ना, अगर पसीना होता है तो पसीने से कटने लगता है। और अभी फुर्सत मिला सारा काम करके, खाना पीना सब हुआ, बर्तन धोई धीरे धीरे। इन लोग का नैन्सी का मैंने सोचा 10:30 बजे नैन्सी आ जाएंगी, लेकिन नैन्सी आई 1:45 बजे। मतलब कि इतनी देर से मुझे बोली थी कि 10:30 बजे, मुझे सुनाई दिया था कि 10:30 बजे आ जाएंगी, पर आई थी 1 बजे। तो उसके बाद आई तो बैठी थी, फिर गोलू भी देर से नाश्ता करे तो वो भी खाना नहीं खा रहे थे, तो मैं भी बैठी हुई थी कि खाएंगे। सब्जी जा रही थी बनाने, फिर नहीं बनाया, जो सुबह की सब्जी थी वही ये लोग खा लिए। सब्जी पूरी सुबह में पूरी निकाल के रख दिया था, तो अभी थोड़ा सा आराम करूँगी। सुबह से 5 बजे से मैं उठती हूँ, कंटिन्यू रोज़ का नियम है, 5 बजे उठूँगी, 5 से 6 योगा करूँगी, 6 बजे से फिर मैं लगती हूँ, तो इधर 4 बजे तक। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा काम रहता ही है, टिफ़िन का सुबह का बड़ा इशू रहता है, जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाओ सब, मतलब पूरा तिवारी जी का टिफ़िन अलग बनाना पड़ता है, नैन्सी का अलग बनाना पड़ता है, ये वो सब्जी, वो जूस वाली सब्जी उनको चाहिए होती है, वो सूखी सब्जी। अगर आज मैंने सूखी सब्जी उनको दिया है, छोले भी दिया है, लेकिन सब्जी सूखी वापस ही आएगी, उसको खाएंगे नहीं। और नैन्सी का क्या है, इनको सूखी सब्जी, आज से इनकी छुट्टी हो गई है, तो देर हो ही जाती है, मुझे देर हो जाती है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिएगा। तो अभी यहाँ पे मम्मी ये पापड़ वापड़ तल रही हैं, मौसी ने ये है प्राइम्स इन इंग्लिश, और मैंने अभी चिप्स तले थे थोड़े बहुत, पर ये वाले कहाँ रखे थे मुझे पता नहीं था, तो मम्मा अब मेरे तल रही है दूसरी बार, उसमें तेल बचा हुआ था कढ़ाई में, तो उसी में तलने लग गई। मम्मा जी किसने भेजा क्या ये? हाँ मौसी ने भेजा है, ये रूबी मौसी ने नहीं, बड़ी मौसी ने भेजा है, बहुत अलग अलग तरीके के हैं, कितने मस्त, और बिल्कुल अलग अलग तरीके के अचार भेजे हैं मौसी ने, जैसे दुकान उकान में मिल रहे हो। थैंक यू मौसी को, थैंक यू मौसी। ओहो बिल्कुल बाहर जैसे हंसी बन गए। तो गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं, और ये है टमाटर, प्याज, प्याज भी, हरी मिर्च, अनियन, टोमेटो, लहसुन नहीं डाला है, पेस्ट जो बना के डालती हूँ। और ये मैंने उबाले थे चने दोपहर में बनाने के लिए, तो नहीं बनाया था। आलू भी उबाला था, इसको छीला, छिलका इसका रिमूव किया है। ये बड़ी मैं भूल गई थी फ्राई करना, तो इसको फ्राई दान में अभी वो करी हूँ अलग से, मेरी दीदी के वहाँ से आई है ये, बड़ी 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 हैं ये, अच्छी लग रही है देखने में, खाने में देखो कैसी है, अभी ये नहीं पता कहाँ से आई है। तो इसमें ऐड करूँगी मैं ये छोले, चने वाले, काले चने, और इसी में ऐड करूँगी आलू, आलू को फोड़ के ऐड करूँगी। कैमरा इतना धुंधला, पोछा तो सही आया। रात को नैन्सी को सामान याद आता है स्कूल का, अब स्कूल में छुट्टी हो गई लेकिन काम तो मिला है, वो करना है। 23 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग है, तो जाना है उसको लेके, तो इसकी वजह से जा रहे हैं लेने।